दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से आ रही है। यहाँ आप लोगों का VVDN टेक्नोलॉजी रखा गया है और इसकी तरफ से जो वैकेंसी आ रही है आप सभी को मैं अच्छे से बताने वाली हूँ। यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है तो आप लोग दोनों एलिजिबल हैं। डिप्लोमा किया है आप सभी ने, ग्रेजुएशन की है, या फिर गाइस अगर आप यहाँ नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन से हैं, बीई बीटेक कर रखा है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। स्पेशली मैं गर्ल्स को ज़रूर बोलूंगी, जो हमारी गर्ल्स यहाँ पर जॉब करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, क्योंकि गाइज यहाँ ज़्यादातर आप लोग देखेंगे तो गर्ल्स ही जॉब करते हुए मिलेंगी। VVDN टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर ओनली ऑन गर्ल्स को हायर करती है, बहुत ही कम चांसेस देती है बॉयज़ को। जब भी आप लोगों की जो वैकेंसी निकल कर आती है ओनली गर्ल्स के लिए आती है, तो यहाँ से आप लोगों की वैकेंसी आ रही है। और जो भी कैंडिडेट हमारे इस इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इसका मेन पेज ओपन कर रखा है, तो आप लोग इसके एनिमेशन वीडियो में भी देखेंगे, जो भी वर्क होता है ज़्यादातर गर्ल्स ही यहाँ पर करती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें गाइस हैवी वर्क की, तो ऐसा कंपनी कोई भी नहीं है जहां पर हैवी वर्क ना हो। लेकिन यहाँ गर्ल्स को ज्यादातर हायर किया जाता है, जिससे कि गर्ल्स के लायक यहाँ वर्क दिया जाता है, मोस्टली देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए, यहाँ पर जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में देखिए, जो फ्रेशर गर्ल्स हैं हमारी, इलेक्ट्रिकल साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ब्रांच हायर की जाती हैं। और अगर समटाइम आपका मैकेनिकल भी हायर कर लिया जाता है, बट बहुत ही कम चांसेस दिया जाता है मैकेनिकल वालों को, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को यहाँ हायर किया जाता है। गाइस यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों की बता देती हूँ। देखिए, जो आप लोग वेबसाइट की तरफ से देखेंगे, वेबसाइट के थ्रू यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ अपना लोकेशन देख लीजिए, अगर आप गुड़ग्राम में देखना चाहते हैं, मानेश्वर में देखना चाहते हैं, वो अलग अलग आपका लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जितनी आप लोगों को यहाँ लोकेशन हो रही है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, तो इनकी तरफ से ही आप लोकेशन देख पाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ गुड़ग्राम या फिर मानेश्वर की तरफ से देख के चल रही हूँ, ठीक है। तो गुड़ग्राम में आप लोग देखेंगे, तो यहां जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो जितनी भी गुड़ग्राम की वैकेंसी होगी आपके सामने सर्च हो जाएगी। ये देखिए गुड़ग्राम में है, लेकिन एक्सपीरियंस रखा गया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो यहां आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, जैसे सीनियर इंजीनियर के 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑलमोस्ट यहां इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा आपके पास। किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं आप यहां भी देख सकते हैं। अब मैं मेरे लिए बात कर लेती हूँ वॉक इन इंटरव्यू की। तो गाइज यहां आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है VVDN टेक्नोलॉजी की तरफ से। इसमें 3 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। मानेश्वर आपका यहाँ लोकेशन रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसमें हमारे फ्रेशर कैंडिडेट को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपका टेस्ट इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया है, लेकिन मानेश्वर और हरियाणा दोनों लोकेशन पर है। ये 3 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है। ये तो आप लोगों के एक्सपीरियंस वालों की हो गई कि 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स रहती है आपके पास, तो आप लोग अप्लाई कीजिए। कहां पर ये आप लोगों का दिया गया है, देखिए ये आपका ईमेल आईडी दिया गया, इस पे जाकर अपना रिज्यूम प्लस सीवी शेयर करें। अब देखिए, मैं आपको यहां कुछ स्टूडेंट को ऐसा बोलना चाहूंगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट यहां अपना रिज्यूम या सीवी शेयर करते हैं, तो मैं भी जानती हूं ये बात कि ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा प्रोसेस लंबा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिप्लाई नहीं भी आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मतलब चेक किए जाते हैं रिज्यूम वगैरह तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा आपको प्रेफर करती हूँ वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू में आपका कभी भी लेट नहीं हो सकता। जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू, आपको तुरंत उसके दूसरे दिन या फिर उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा, आप सेलेक्टेड हैं या ना नहीं सेलेक्टेड। तो यहाँ आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, वॉक इन इंटरव्यू फ्रेशर वालों के लिए है। अब ये गाइस मेरे वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी वर्क करते हैं, साथ ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो यहाँ जॉब भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट गर्ल्स भी जॉब करती हैं, और आप लोग भी जानते हैं अगर आप लोगों को यहाँ जाना है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मानेश्वर में जो आपकी लोकेशन रहने वाली है, इसी लोकेशन पर यह आपका लोकेशन है, मानेश्वर या फिर गुड़गांव, ये आप लोग का लोकेशन रहेगा। यहाँ आप लोग सकते हैं और यहां आपका इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन अब आप लोग अगर गर्ल्स हैं तभी जाएं, क्योंकि बॉयज़ के लिए बहुत ही कम यहाँ पर निकाली जाती है वैकेंसी, तो बॉयज़ नहीं जा सकते। अगर गर्ल्स है तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप लोग, टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको स्मार्ट जॉब्स ओनर के नाम से आप लोगों को वहाँ मेरा टेलीग्राम मिलेगा, तो उस पर जाकर आप डायरेक्ट
जो है मैसेज कर सकती हैं। तो उससे क्या होगा, मैं आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी जो भी आप लोग का लोकेशन वगैरह है, तो आप लोग वहां से जाकर उस इंटरव्यू को अटेंड कीजिए गाइस, जल्दी से जल्दी आप लोग यहां पर जॉब भी कर पाएंगे। तो ये आप लोगों को फ्रेशर और एक्सपीरियंस का था। अब मैं कुछ और भी आप लोगों को अपडेट दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ आप लोगों की नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रखी गई है, ये है आप लोगों का देखिए एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज रखी गई है विविडियन टेक्नोलॉजी की तरफ से। 1 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है। चेन्नई आप लोगों का लोकेशन रखा गया है, बाकी हाईलाइट आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करूंगी जिससे कि आप लोग की सभी अपॉर्चुनिटीज कवर हो पाए। ग्रेजुएट और यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। यहाँ ग्रेजुएट रखा गया है क्योंकि नॉन इंजीनियरिंग मतलब कि यहाँ अभी ईबीटेक वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। और आप सभी की टाइमिंग रहेगी 8:30 से 5:30 बजे तक, 5 दिन आप लोग को वर्क करना होगा और वीक में यहाँ पर लास्ट 2 दिन आपका छुट्टी रहेगा। ये आपका रहने वाला है परमानेंट यहाँ जॉब रहेगा, उसमें आप लोग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं बट नॉन टेक्निकल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है। ये भी आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव की आ रही है मानेश्वर की तरफ से, जिसमें मानेश्वर में 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। मानेश्वर आप लोग का एक ही आप लोग का विविडियन प्लांट मिलेगा, जिसमें यहाँ देखिए रोल ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग देख सकते हैं क्या क्या रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यहाँ सेमीकंडक्टर वगैरह की कंपनी रहती है। परमानेंट आपका वर्क रहेगा। बीई बीटेक एनी स्पेशलाइजेशन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मोस्टली यहाँ पर। और यहाँ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वो कैंडिडेट तो ज़रूरी अप्लाई करें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो कैंडिडेट यहाँ बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। गाइस ये आप लोग का लास्ट अपॉर्चुनिटी है और यहाँ आप लोग देखेंगे कि इसमें 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। यह आप लोग का मानेश्वर लोकेशन है। मानेश्वर ये आप लोग का हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा साइड ही है और इस वैकेंसी के लिए 1 दिन पहले ही निकाला गया है। यहाँ पर हमारे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, बट आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। और यहाँ अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री जैसे बीई कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, ये सभी आपकी ब्रांच रहने वाली हैं। अगर आप इन ब्रांच से हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की सारी लिंक टेलीग्राम या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन और ऊपर भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कौन कौन सा यहाँ पर ब्रांच एलिजिबल है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा, naukri.com ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप लोगों से जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे वहाँ पर एक 1 by 1 करके आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगने लगेगा। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे क्वालिफिकेशन, नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, साथ ही आपका रिज्यूम, ये सारी चीज़ें, एड्रेस भी मांगेगा। ये सभी चीज़ें आपको करेक्टली फिल करना है और आप अपना रिज्यूम जो भी अपलोड करें उसे क्या करेंगे, आप लोगों ने जैसे अभी अपलोड कर दिया 4-5 दिन बाद फिर चेंज कर दें, मतलब इस तरीके से अपडेट करते रहें। अपडेट करेंगे उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स भी उसमें जो है रहेगी कि आपको ये स्किल आती है, साथ ही आप लोगों का रिज्यूम अपडेट होता रहेगा जिससे कि जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के रिज्यूम से रिलेवेंट आती है तो वो आप लोगों को यहाँ पर शेयर हो जाएगी और आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं तो HR हमेशा आपका जो naukri.com वाला प्रोफाइल होता है उसी को चेक करते हैं क्योंकि आप लोगों ने उसमें पूरा फिल किया होता है कि आप लोगों के पास क्या स्किल है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये था आप लोग का आज का अपडेट। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।